प्यारे बच्चों, आपने ज्यामितीय रचनाओं वाले पाठ के अंतर्गत अभी तक कई तरह की रचनाएं कर ली हैं। आपने किसी बाहरी बिंदु से किसी रेखाखंड पर लंब डालने का भी काम कर लिया। यदि किसी रेखाखंड पर रेखा पर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उस बिंदु से कैसे लंब खड़ा किया जाए, ये भी आपने देख लिया है। लंबार्धा खींचना भी आपने देखा, और इन सब के आधार पर आपने एक ऐसे वृत्त की रचना करना सीखा है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है। अब हमें एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूती हुई बनाई जाती है, यानी त्रिभुज के अंदर बनती है और वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। ये करने के लिए हमें कुछ और रचनाओं को सीखना होगा और सैद्धांतिक रूप से ये देखना होगा कि त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम आपके साथ कोण समद्विभाजक खींचने की बात करेंगे और देखेंगे कि हम कोण समद्विभाजक कैसे बनाते हैं और इसका उस अभीष्ट वृत्त की रचना करने से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम एक कोण की रचना करते हैं और फिर हम उसका समद्विभाजक खींचते हैं। तो चलिए, एक हम कोण बनाएं। ये हमने कोण की एक भुजा बनाई और एक कोण की हम दूसरी भुजा बनाते हैं और इनको हम नाम दे दें। मान लीजिए इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसे नाम दिया सी। ये कोण हमारे सामने बना। अब इस कोण का हम समद्विभाजक खींचना चाहते हैं, तो समद्विभाजक का अर्थ आप समझते हैं कि हमें एक ऐसी किरण यहाँ से खींचनी है जो इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती हो। ये कैसे करेंगे ये हमें सोचना होगा। और कोण समद्विभाजक खींचने के लिए हम चांदे का उपयोग नहीं करेंगे, हमें केवल प्रकार का उपयोग करना है और उसकी मदद से हमको इस दिव्य कोण का समद्विभाजक खींचना है। अब इसकी रचना करने के पहले सोचें कि मान लें हम एक कोई किरण यहाँ से खींचते हैं और ये खींची हुई किरण इस पूरे कोण का समद्विभाजक है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम यहाँ पर दो त्रिभुजों की रचना करते हैं और ऐसे त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ये जो खींची हुई किरण है वो उभयनिष्ठ हो। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज बना सकें तो सर्वांग सम त्रिभुज बनाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि इसके सभी अवयव बराबर होंगे दोनों त्रिभुजों के, तब यहाँ पर बना हुआ कोण भी बराबर होगा। तो ये हम ध्यान रखें कि हम एक ऐसे किरण की रचना करने जा रहे हैं जो दो त्रिभुजों में दो सर्वांग सम त्रिभुजों की एक उभयनिष्ठ भुजा बनती है। तो इसके लिए हमें भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं, प्रकार की नोक लें और इसे कोण के शीर्ष पर रखें और एक चाप लें और उस चाप के बराबर दोनों किरणों पर बी ए और बी सी पर ये चाप काटें। ये दोनों बराबर हैं। तो अगर हम एक किरण यहाँ प्राप्त करते हैं तो वो किरण यदि दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा बनती तो उसकी एक भुजा तो ये हो जाएगी जो आपस में बराबर दिख रही है। अब एक बिंदु हम ऐसा प्राप्त करें जो इन बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। इन बिंदुओं को भी हम नाम दे दें। मान लीजिए इस बिंदु को हम कहते हैं ई और इस बिंदु को हम कहते हैं एफ। अब एक बिंदु हम यहाँ पर ऐसा प्राप्त करें जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो, तो क्या होता है देखिए। तो हम चाहें तो इस चाप का उपयोग कर लें या चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं। ये ध्यान रखें कि ये जो चाप बनेगा वो ई एफ की जो लंबाई है या ई एफ की जो दूरी है उसके आधे से अधिक हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक चाप काटते हैं और उसी त्रिज्या का चाप एफ को केंद्र मानकर काटते हैं जो पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर काटता है। इस बिंदु को हम नाम दे दें डी। अब देखिए, ई से डी की दूरी एफ से डी की दूरी के बराबर होगी क्योंकि आपने एक जैसी त्रिज्या के चाप लगे से काटा है। अब यदि हम बी और डी को आपस में मिलाएं तो हमें एक किरण मिलती है। इसे आगे बढ़ा दें आप और इसे भी नाम दे दें किरण बी क्यू।
अब सवाल उठता है, क्या जो किरण बी क्यू है वो वास्तव में ए बी सी का समद्विभाजक है अथवा नहीं? तो इसको हम सैद्धांतिक रूप से जांच कर देखेंगे। नाप कर देखने से चीज़ें ज्यामिति में प्रमाणित नहीं होती, केवल हमें एक अनुमान लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। चीज़ें तभी प्रमाणित होती है जब हम सैद्धांतिक रूप से तर्क के माध्यम से सिद्ध कर पाएँ कि चीज़ें बराबर हैं, सर्वांगसम हैं, या जो गुण हम देखना चाहते हैं वो उससे मौजूद हैं। तो देखिए, हमने ई और डी को मिलाया और एफ डी को भी मिला दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज बी ई डी बन रहा है एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है बी एफ डी। इन दोनों त्रिभुजों में एक आकृति यहाँ बन रही है और दूसरी आकृति यहाँ बन रही है त्रिभुज की। इसमें आप देख रहे हैं कि बी डी जो है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, बी ई और बी एफ आपस में बराबर हैं, क्योंकि आपने एक ही त्रिज्या के चाप से बी और बी एफ को काटा था, यानी ये जो भुजा है त्रिभुज की वो इस भुजा के बराबर है। ठीक ऐसे ही ई डी एफ डी के बराबर है, क्योंकि आपने एक ही त्रिज्या ली थी और चाप काटे थे और दोनों चाप एक दूसरे को डी पर काट रहे थे। इस स्थिति में ई डी और एफ डी भी बराबर हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। और ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले त्रिभुज की बी ई डी की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज बी एफ डी की तीन भुजाओं के क्रमशः बराबर हैं। बी ई भुजा बी एफ के, ई डी भुजा एफ डी के, और बी डी बराबर बी डी, एक ही भुजा दोनों त्रिभुजों में है। तो किसी एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी ये जो त्रिभुज है ऊपर में जो बन रहा है वो इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये आप देख पा रहे हैं। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इनके सभी अवयव आपस में, सभी संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, यानी किरण बी क्यू पूरे कोण ए बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है। पहला भाग है ए बी क्यू और दूसरा भाग है सी बी क्यू। तो इस तरह से आपने एक ऐसे किरण की रचना की जो दिए हुए कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, और यही किरण बी क्यू इस दिए हुए कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। तो आपने देखा कि हम समद्विभाजक की रचना भी कर लिए और ये प्रमाणित भी किया, सिद्ध भी किया कि हमने जो रचना की है वो निश्चित रूप से इस कोण की समद्विभाजक है। अब एक चीज़ हमें और देखनी है कि एक तथ्य देखना है कि ये जो किरण बी क्यू है इसकी भुजा बी ए और बी से, बी सी से दूरी कैसी है। तो इस किरण की दूरी नापने के लिए हम इसमें अपने मन से कहीं पर भी एक कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक बिंदु यहाँ पर लिया और इस बिंदु को कोई सा भी नाम दे दिया, जैसे पी क्यू, आप इसको आर नाम दे दीजिए, ये बिंदु आर है। अब हमें देखना होगा कि क्या बिंदु R से दोनों भुजाएं बराबर दूरी पर हैं। अगर हम ऐसा देख लें तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी भुजा पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी की इन दोनों किरणों से दूरी बराबर है। तो हमने रैंडमली या यादृच्छिक रूप से या अपनी मर्जी से कहीं पर भी एक बिंदु R लिया और यहाँ से हम दोनों भुजाओं पर लंब डालते हैं। लंब डालने के लिए आप फिर से प्रकार का उपयोग करिए और जो आपने पहले सीखा हुआ था उसका उपयोग करिए। ये प्रकार से हम कैसे लंब डालते हैं देखिए, ये हमने एक बड़ा सा चाप खींचा यहाँ पर और फिर इस चाप को आप यथावत रख सकते हैं या फिर दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने यहाँ से जो चाप लिया उसी लंबाई का चाप आप यहाँ से भी लें और इसे काटें। ये देखिए, थोड़ा इसे पहले वाले को बड़ा कर लें हम। एक बिंदु ये मिला, इस बिंदु को हम आर से मिला दें तो हम आर को बाहरी बिंदु मानते हुए बी ए पर लंब डाल रहे हैं। तो ये एक लंब हमने खींचा है यहाँ पर, इसको आप चाहे तो इस तरह से बढ़ा लें या ना भी बढ़ाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने देखा। तो ये जो हमने आर की रचना की, मान लीजिए इस बिंदु का आप एम नाम दे दें आर एम बी ए पर लंब है। ठीक ऐसे ही हम बिंदु आर से बी सी पर लंब डालें, ठीक उसी तरह से हम काम करेंगे। प्रकार की नोक हम आर पर रखेंगे
और एक चाप ऐसा काटेंगे कि वो किरण बी सी को कम से कम दो जगहों पर काटे, और ये हमको एक बिंदु यहाँ मिला और एक बिंदु यहाँ मिला। फिर हम प्रकार की नोक को यहाँ रखें और इस तरह एक चाप काटें, और इसी त्रिज्या को स्थिर रखते हुए इस बिंदु से भी हम एक चाप यहाँ काटें, और जो कटन बिंदु है उसे आर से मिला दें। तो इस तरह जो रेखा हमें मिलेगी, जो किरण हमें प्राप्त होगी, वो बी सी पर लंब होगी। इसको हम इस कटी हुई लाइन से बना रहे हैं, इसको आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आपने बिंदु आर से बी ए पर भी लंब डाला और बी सी पर भी लंब डाला। इसको आपने एम नाम दिया, तो इसको नाम दे दें एन। अब आप देखिए कि हम बिंदु आर से इन दोनों किरणों की लंबाई नापना, दूरी नापना चाह रहे थे। तो दूरी नापने के लिए हमने इसमें से एक कोई सा भी बिंदु आर ले लिया और इस बिंदु आर से बी ए पर भी लंब डाला और बी सी पर भी लंब डाला। अब हमें देखना है कि इस आर एम और आर एन के बीच कोई संबंध है क्या। ये एक समकोण है, क्योंकि आपने लंब की रचना की इसलिए समकोण हो गया। अब आप देखिए, आपने अब इस पूरे त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ए बी आर, समकोण त्रिभुज ए बी आर की बात करें हम, एम बी आर कहें इसको, त्रिभुज एम बी आर, एम बी आर और त्रिभुज एन बी आर, त्रिभुज एन बी आर, इन दोनों त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर कोण एम समकोण है और यहाँ पर कोण एन समकोण है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ये कोण एम बराबर कोण एन, यदि पूरा आप लिखें तो लिख सकते हैं कोण बी एम आर, कोण बी एम आर बराबर कोण बी एन आर, बी एन आर, ये दोनों समकोण हैं इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। ये जो कोण आपने बनाया था वो इसके बराबर था, क्योंकि रचना ही आपने की थी बी आर की, समद्विभाजक खींचा था, इसलिए आप लिख सकते हैं कोण एम बी आर, कोण एम बी आर बराबर कोण एन बी आर। ये किसी कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाए हुए कोण हैं और इसलिए आपस में बराबर हैं। तो इस त्रिभुज का दो कोण, ये और ये, दूसरे त्रिभुज के इन दोनों कोणों के बराबर है, और भुजा बी आर जो है वो दोनों में उपस्थित है, बी आर बराबर बी आर। अब आप देखिए, किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आप इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं कि त्रिभुज एम बी आर सर्वांग सम है त्रिभुज एन बी आर के, और इसलिए इस त्रिभुज के जो शेष अवयव हैं, संगत अवयव, आपस में बराबर होंगे। उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि आर एम बराबर आर एन, इसलिए आर एम बराबर आर एन, यानी बिंदु आर से बी ए की दूरी बिंदु आर से बी सी की दूरी के बराबर है। आर को आप कहीं पर भी ले सकते थे। तो इस कथन का हम व्यापकीकरण करें, इसको व्यापक तौर पे कहें, तो हम कह सकते हैं कि बी क्यू का कोई भी बिंदु भुजा बी ए और बी सी से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो आपके पास एक महत्वपूर्ण परिणाम ये मिलता है कि किसी कोण के समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु कोण बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इस गुण का उपयोग करते हुए हम आगे भी कुछ काम करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने देखी, कोई एक कोण लिया और उसका समद्विभाजक बनाया, और देखा कि उस कोण का प्रत्येक कोण समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु कोण बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। ये दो परिणाम आपको प्राप्त हुए। तो एक बार इसका अभ्यास करिए, और कहीं दिक्कत होती है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं।